दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल और लो बजट और एक बेहतरीन सा मॉडल है। इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो 28x36 में ये प्लान मैंने क्रिएट किया है। 28 फिट इसकी चौड़ाई है और लंबाई की बात करें तो 36 फिट है। इसी प्लान को पूरा आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लान मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है 28x36 में। हमारे सब्सक्राइबर थे, वो लगातार हमें कमेंट कर रहे थे, सर एक बेसिक सा, एक बेहतरीन लुकिंग वाला, गुड लुकिंग वाला आज हमें हाउस प्लान दीजिए। तो उन्हीं के कहने पर मॉडल को डिज़ाइन किया। तो चलो इसे डिस्कस करते हैं। तो जो आज का प्लान है, मैंने ग्राउंड फ्लोर क्रिएट किया है और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर रेलिंग वगैरह क्रिएट किया। तो सर, अगर आप जूम करके देखना चाहें प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर देखिएगा ये जो ग्रिल मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया, बहुत ही बेहतरीन है। और साथ साथ पिलर वगैरह भी यहाँ पर मैंने डिज़ाइन की है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पूरे मॉडल की, तो उससे पहले आपको सबसे पहले स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को देख कर चले जाते हैं। एक बार लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, हमारा मोटिवेशन मिलता है। हम आपको नए नए मॉडल ऐसे प्रोवाइड करते रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, बहुत ही नॉर्मल सा। और सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, मैंने छोटा सा पार्किंग टाइप का, सॉरी गमले वगैरह रख दिए हैं, या ग्रीन एरिया जो कवर्ड किया है। इसका जो स्टेयर्स हैं, इसके माध्यम से ऊपर जाएंगे। ये पिलर हैं और ये देखिए कर्व्ड शेप में मैंने यहाँ पर बीम दिए। और एक फ्रंट में बेडरूम है, उसके लिए यहाँ विंडो दिया प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन के लिए। तो अब जैसे स्टेयर के माध्यम से अंदर जाते हैं तो आप बारंदे में पहुँच जाते हैं। बारंदे में पहुँचते ही देखिए, बारंदे में यहाँ पर सोफ़ा वगैरह डाल दिया है, यहाँ पर ये चेयर डाल दी है और ये आपका टेबल डाल दिया है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, एक गेस्ट रूम मैंने यहाँ पर के दिया है। गेस्ट रूम के लिए ये डोर भी मैंने बारंदे से दिया है, यहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे। लेकिन यहाँ दोनों साइड पर विंडो दिया है, एक फ्रंट में भी विंडो दिया है देखिए वेंटिलेशन के लिए, और एक लेफ्ट हैंड साइड में भी विंडो दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये गेस्ट रूम हो गया। इसके बाद बारंदा है, जैसे आप एज अ लिविंग एरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसे क्लोज करना चाहें। इसके बाद मेन डोर ये है, यहाँ से एंट्री करेंगे तो मेन डोर से जैसे एंट्री करते हैं आप आ जाते हैं इस एरिया में, जो कि एक यहाँ पर लिविंग एरिया मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। देखिए सोफे वगैरह डालकर, और सबसे पहले आपका किचन मिल जाता है। ये देखिएगा यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये किचन एरिया है जो कि फ्रंट में विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। अब आपके इस कॉर्नर पर एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है, जो कि इस कॉर्नर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर है, और इसका इसमें ये डोर दिया है यहाँ पर जाने के लिए। और इधर एक लिविंग हॉल टाइप का है, आपका बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर आप सोफे वगैरह जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। इसका अगर इस कॉर्नर की बात करते हैं तो आपका देखिए यहाँ पर स्टेयर्स हैं जिसके माध्यम से आप ऊपर जाएंगे, टर्न होंगे, फिर से वापस आएंगे। उसी के नीचे कुछ एरिया कंबाइंड किया स्टेयर्स के नीचे का, और कुछ फ्री स्पेस कवर्ड करके लेट एंड बाथ बड़ा सा क्रिएट कर दिया है। तो अगर 28x36 की बात करें तो यहाँ पर दो बेडरूम आपको मिलते हैं, एक लिविंग हॉल अंदर मिलता है, एक बारंदा मिलता है, आपको किचन एरिया भी मिल जाता है, और लेट एंड बाथ और स्टेयर्स। तो एक प्रॉपर वेल डेकोरेट वेल प्लान्ड घर है। अगर आप इसे बनवाना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन लुक भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पर मैंने 3.5 फिट का बाउंड्री चारों तरफ क्रिएट किया है। इसके बाद फ्रंट में ये देखिए रेलिंग, जो ग्रिल मैंने क्रिएट की है, और तो प्रॉपर तरीके दो कलर कॉम्बिनेशन इस यहाँ पर दिए। ये ईंटों का डिज़ाइन है, इसके बाद यहाँ पर स्टील का ग्रिल रेलिंग लगा हुआ है। तो एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत ग्रिल भी आपकी बनकर रेडी हो जाती है 28x36 फिट में। तो एक बेस्ट मॉडल 28x36 में आपको मिलता है, बेहतरीन सा मॉडल मिलता है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि स्मॉल हाउस प्लान पर आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलते हैं। अगर आप किसी भी टाइप का घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में। ध्यान ये रखना है, वो हमारा सर्विस, जो भी हमारी सर्विस होती है वो पेड रहती है, तो आपको उसमें 50% पेमेंट एडवांस करना होता है, और तब आपका प्लानिंग मैं करने का पूरा स्टार्ट करता हूँ। आपको 2D+3D सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें फ्रॉड से भी बचे रहें। जब आपकी हमसे बात हो तभी आप हमें कॉन्टैक्ट करें, तभी आप हमें पैसे दें, अन्यथा अन्य व्यक्ति को बिल्कुल न दें, कि ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांस बहुत रहते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।